इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और एलानाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला आज फतेहाबाद के भट्टू पहुंचे। यहां हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार जो भूमि अधिग्रहण कानून ला रही है उसके बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने जहां एक और निजी सेक्टर में 75% के आरक्षण पर जहां सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। आरक्षण आदि जो आपका आंदोलन चल रहा था इन तीन काले कानूनों के खिलाफ, जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा नहीं कर दिए थे कि सिख और हिंदू भी आपस में लड़े। 26 जनवरी के दिन एक साजिश के तहत इन्होंने इस बात का प्रचार किया था कि सिखों ने तिरंगे का अपमान कर दिया, वो भी एक साजिश थी, क्योंकि वहां जो सिख बड़ी संख्या में बैठा था, जो हमारे हरियाणा के लोग बैठे थे, उनके साथ लड़ाना चाहते थे कि आपस में लड़े, ये आंदोलन खत्म हो जाए। अब ये नया काम शुरू कर रहे हैं, इस प्रदेश को जाति के आधार के ऊपर बांट लिया जाए। वहीं जेजेपी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। मंत्री नहीं रह सकता, हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन समर्थन वापस नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि बहुत लूट मचाई है। इनकी फैले भी तैयार है इनके पास, बीजेपी वालों के पास। अगर ये कहीं यूं कह दे कि हम समर्थन वापस ले तो शाम को ईडी वाले उठा के ले जाए, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। जहां चौधरी देवीलाल के नाम को हरियाणा से खत्म करने का प्रयास कांग्रेस ने बीजेपी ने किया। अभय सिंह ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि जेजेपी नेता दावा करते हैं कि उनकी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, तो सरकार को मजबूर कर दे कि केएमपी का नाम बदल के चौधरी देवीलाल के नाम से करें।